ओके तो यार कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। यार मैंने लाइव स्ट्रीम देखा एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ रिएक्शन वीडियो ऑन दैट, बट मुझे उतना पसंद नहीं आया लाइव स्ट्रीम। बट डिस्पाइट दैट मैंने सोचा चलिए पैच नोट्स का वेट करते एंड पैच नोट्स फोरम पे आ चुके हैं एंड गेस व्हाट, लाइव स्ट्रीम वॉज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। पैच नोट्स इतना जबरदस्त है, देर आर सो मेनी थिंग्स टू गो थ्रू कि आपका दिमाग ब्लोन हो जाएगा। इतना जबरदस्त अपडेट हमने आज तक मार्वल फ्यूचर फाइट के 6 साल के हिस्ट्री में नहीं देखा एंड आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट अपडेट मार्वल फ्यूचर फाइट हैज सीन एवर। सो विदाउट एनी फर्दर एडू आर चलते फोरम पे, लेट्स टेक अ लुक एट आर अपडेट डिटेल्स जो कि कल ड्रॉप हो जाएगा अपडेट। सो अपडेट डिटेल्स पे एक नजर डाल देते हैं एंड वो बहुत ही जबरदस्त है यार, ट्रस्ट मी यू, मैं तो यार स्माइल करते रहा व्हाइल रीडिंग थ्रू दिस पैच नोट्स। सो बिना किसी तरीके चलते यार 420 अपडेट डिटेल्स को देख लेते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सीएम फ्रैगमेंट बोलते हैं, देर हैव बीन बिग चेंजेस टू आर बिलवड हीरोज एंड मेफिस्टो हैज सडनली प्रपोज्ड अ डील। द मार्वल यूनिवर्स एंड 6th ईयर एनिवर्सरी आर द थीम्स ऑफ द अप्रैल अपडेट। द लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड मेफिस्टो हैज एक्सप्रेस्ड हिज इंटेंशंस टू कोऑपरेट। वन न्यू हीरो हैज बीन एडेड। सेवरल पॉपुलर हीरोज ऑफ द मार्वल यूनिवर्स एंड फैंटास्टिक फोर हैज बीन स्ट्रेंथेंड। 6 न्यू यूनिफॉर्म्स एंड 3 पोटेंशियल अवेकनिंग हैज बीन एडेड। 3 यूनिफॉर्म के स्नीक पिक्स आए थे एंड 3 यूनिफॉर्म जो कि फैंटास्टिक फोर में इनविजिबल वुमेन, ह्यूमन टॉर्च एंड द थिंग के यूनिफॉर्म भी ऐड किए गए हैं, तो उन पर भी हम नजर डालेंगे। अलॉन्ग विद दैट द डिस्पैच मिशन हैज बीन एडेड वेर इट इज मोर एडवांटेजियस टू अपग्रेड मोर हीरोज। ऑल्सो देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स एंड कन्वीनियंट सिस्टम बेस्ड ऑन स्टोरी मोड, यानी कि स्टोरी मोड को फिर से रिवर्क कर दिया गया है। प्लीज चेक आउट द चेंजेस फ्रॉम टीयर 1 ग्रोथ मटीरियल डिक्रीज, यानी कि कैरेक्टर जो कि टीयर 1 कैरेक्टर्स है उन्हें अपग्रेड करने के लिए जो रिसोर्स लगते हैं उनके अमाउंट को रिड्यूस कर दिया गया एंड टू सेल्स मेथड चेंज फॉर सम यूनिफॉर्म्स एंड मोर, यानी कि बहुत सारे यूनिफॉर्म्स को क्रिस्टल से गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, विच इज अमेजिंग यार। इतने सारे यूनिफॉर्म्स है कि चलिए उस पर नजर डालेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लास्टली टू सेलिब्रेट द 6th ईयर एनिवर्सरी देर हैव बीन लार्ज स्केल यूआई इंप्रूवमेंट्स। वी होप आर एजेंट्स कैन एंजॉय द मिशंस इन द न्यू एनवायरमेंट। तो चलिए यार देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो न्यू हीरो, अ न्यू नेटिव टीयर 3 हीरो, द लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड विल हेल्प आर एजेंट्स इन बैटल विद हिज पावरफुल मैजिक। ऑल्सो द स्किल स्क्रीन हैज बीन इंप्रूव टू बी एबल टू चेक द इन्फॉर्मेशन ऑफ हीरो स्किल दैट चेंज सच एज दोज ड्यूरिंग मेफिस्टोस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि मेफिस्टो का 2 ट्रांसफॉर्मेशन है, डार्क अवेकनिंग स्किल जो कि उसका टीयर 3 स्किल है इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स राइट। 3rd स्किल को यूज करने से वो अपना फॉर्म चेंज करता है एंड डार्क अवेकनिंग में भी फॉर्म चेंज करता है। तो यहाँ पे हमें उसके डिफरेंट इफेक्ट्स दिखाए गए हैं। तो मेफिस्टो पे यार सबसे पहले नजर डाल लेते हैं, ऑब्वियसली लेट्स ओपन दिस पेज। अब तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेफिस्टो ब्लास्ट सुपर विलेन मेल है। एबिलिटी में हेलफायर मैजिक प्योर इविल एंड लोकेशन वर्ल्ड बॉस लेजेंड से आप फार्म कर सकते हो। 10 बायोस्टेयर टू इन ऑर्डर टू अनलॉक मेफिस्टो। तो आज रीसेट पे डोंट प्ले और वर्ल्ड बॉस लेजेंड अगर आपका अनलॉक है तो आप आज खेलोगे, कल सुबह अपडेट आने के बाद 5 बायोस आपको वैसे मिलेंगे एंड फिर कल के रीसेट पे और 5 बायोस, तो यू विल अनलॉक मेफिस्टो एट अ स्नैप ऑफ योर फिंगर राइट। तो अब वहीं अगर उसकी हम लीडरशिप की बात करें तो अप्लाइज टू विलेन एलाइज, रिमूव्स डीबफ व्हेन डीबफ 11 सेकंड के लिए, इंक्रीज फायर डैमेज बाय 30%। सो काफी जबरदस्त है, मेरे हिसाब से नेमोर के लिए काफी अच्छा लीड हो सकता है ये, बट उतना भी अच्छा लीड नहीं है तो आई विल से पास ऑन दैट। उसके अलावा इसके पैसिव की बात करें तो एक्टिवेशन रेट व्हेन डेड रिवाइव्स विद 90% ऑफ मैक्स एचपी 300 सेकंड का कूलडाउन है, सो दैट इज ग्रेट टू हैव लाइक रिवाइव इसके पास, तो बहुत जबरदस्त है। टीयर 2 पैसिव में गेन्स डिमोनाइज डेविल इफेक्ट अपॉन स्टार्टिंग, अप्लाइज टू सेल्फ, इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 35%, बोनस डैमेज बाय 30%, डिक्रीज डैमेज रिसीव्ड फ्रॉम रिफ्लेक्टेड इफेक्ट बाय 70%, एंड इफेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स ऑल अटैक एंड डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव्ड बाय 40%। तो टीयर 2 पैसिव बहुत आतंक है, 70% रिफ्लेक्ट से जो डैमेज होगा उसे रिफ्लेक्ट कर देगा या डिक्रीज कर देगा, देन ही हैज अ रिफ्लेक्ट ऑफ ऑल अटैक, यानी कि किसी भी तरह का अटैक हो उसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, एंड डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव्ड बाय 40%। तो बहुत ही जबरदस्त टीयर 2 पैसिव है, दिस इज इनसेन, ट्रस्ट मी पीवीपी में बहुत जबरदस्त हो सकता है ये। वही अब अगर इसके फर्स्ट स्किल की बात करें तो अप्लाइज टू एनिमीज, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, व्हेन डार्क अवेकनिंग इज यूज्ड और एक अप्लाइज टू एनिमीज। तो नॉर्मल वाले में हम देख सकते हैं फायर डैमेज है, रिमूव्स बफ फ्रॉम टारगेट है, एक्टिव बफ फ्रॉम एनिमी, उसके अलावा डील्स बर्न डैमेज है। वहीं डार्क अवेकनिंग यूज करने पे डील्स बर्न डैमेज एंड फायर डैमेज है, तो डार्क अवेकनिंग में कम है इफेक्ट्स इन माय ओपिनियन देन द नॉर्मल अटैक। उसके अलावा वहीं अगर हम बात करें तो स्किल 2 में
enables attacking enemies who have activated the ignore targeting effect. Burn है, stun है, incapacitation है, paralyze and fire damage. तो काफी जबरदस्त ABX में भी काम आ सकता है. थर्ड स्किल की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके, डार्क अवेकनिंग स्किल थर्ड स्किल है, तो आप देख सकते हैं दो फॉर्म में आता है. सबसे पहले जब आप नॉर्मल स्टैंस में, मतलब डार्क अवेकनिंग से नॉर्मल स्टैंस में जाके अटैक करते हो तो डील्स बर्न डैमेज इनविंसिबल, इंक्रीज डैमेज टू सुपर हीरो फैक्शन बाय 30%, इफेक्ट्स कैन नॉट बी रिमूव फॉर 600 seconds. दैट्स अमेजिंग, बहुत लंबा है ये इफेक्ट. उसके अलावा फायर डैमेज है. वहीं डार्क अवेकनिंग यूज करेंगे तो डील्स बर्न डैमेज इनविंसिबल फॉर 4 seconds और इंक्रीज डैमेज टू सुपर विलेन फैक्शन By 30% और ये भी रिमूव नहीं हो सकता और फायर डैमेज है. तो बहुत जबरदस्त है थर्ड स्किल, यूनिक है. फोर्थ स्किल की भाई हम बात करते हैं तो डील्स बर्न डैमेज, स्टन, फियर, डिक्रीज ऑल डिफेंस डाउन, स्टैकिंग अप टू 50%, 70% का पेनिट्रेशन है, क्रिटिकल रेट बाय 10%, रिमूव्स इनकैपेसिटेशन एंड फायर डैमेज. वहीं डार्क अवेकनिंग में इफेक्ट चेंज हो जाता है, ऑल डिफेंस डाउन 50 की जगह 60% हो जाता है, पेनिट्रेशन हट के ऑल अटैक बफ मिल जाता है बाय 50%. सो फ्रेंजी बफ यहाँ पे मिल जाता है उसे, तो थोड़ा सा चेंजेस है दोनों में. आई बिलीव डार्क अवेकनिंग इज फॉर PvE, वहीं पीवीपी के लिए नॉर्मल मोड में है. तो दो अलग अलग मोड्स में हम देख सकते हैं. वहीं फिफ्थ स्किल की बात करें, यहाँ पे भी वैसे ही दो इफेक्ट है. पहले में माइंड कंट्रोल है, डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव 8% का फायर रेजिस्टेंस ऑन स्टैकिंग अप टू 40%, एक्यूमुलेशन है बेस्ड ऑन, ओके ठीक है, रिकवर्स मैक्स एचपी 3% का, सो दैट्स ग्रेट राइट, ऑलमोस्ट पीवीपी है. रिकवरी अमाउंट इंक्रीजेस बाय 4% पर 1% ऑफ टोटल डैमेज रिसीव्ड, यानी कि ये एक्यूमुलेशन है बेस्ड ऑन रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी. तो ये बहुत जबरदस्त है. रिकवरी ऑब्वियसली 100% ऑफ मैक्स एचपी से ऊपर नहीं जा सकता है, 100% मैक्स एचपी अपना गेन कर सकेगा ऑब्वियसली. अब वहीं दूसरे वाले पे बात करें, डार्क अवेकनिंग में डील्स बर्न डैमेज है, फायर रेजिस्टेंस 50% है, 15% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, मतलब डायरेक्टली रिकवरी कर लेगा एचपी का. फिर यहाँ पे भी एक एक्यूमुलेशन है राइट, 8% ऑफ ऑल अटैक, यानी कि बेस्ड ऑन डैमेज डेल्ट इन माय ओपिनियन, यस इट इज बेस्ड ऑन डैमेज डेल्ट और फायर डैमेज है. तो काफी जबरदस्त किट है यार मेफिस्टो का, काफी यूनिक किट है, देखने में काफी मजा आएगा कैसे ये गेम में काम करता है. बट मेरे हिसाब से तो यार मेफिस्टो इज ओपी एज हेल, बहुत जबरदस्त है. ऑब्वियसली हेल बोलेंगे बिकॉज ही इज द लॉर्ड ऑफ द अंडरवर्ल्ड. तो मेफिस्टो थर्ड स्किल इज बेस्ड ऑन स्किल अप्लाइड बाय द डेमोनाइज्ड डेविल इफेक्ट, ओके. थर्ड स्किल यूज करने से सुपर विलन और सुपर हीरो के अगेंस्ट स्टैंड चेंज करता है, तो दैट्स ओके. 6 न्यू यूनिफॉर्म्स हैव बीन एडेड, 6 नए यूनिफॉर्म्स, आयरन मैन, प्रोफेसर एक्स, हीरोज ऑफ द फैंटास्टिक फोर हैव चेंज्ड. वहीं अब अगर हम देखते हैं तो आयरन मैन सुपीरियर आयरन मैन सुपर विलन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. एक्विजिशन मेथड ऑब्वियसली 1750 क्रिस्टल्स, बट सेल पे 875 क्रिस्टल्स हो जा रहा है. व्हाई? दिस इज 50% ऑफ, आई बिलीव एनिवर्सरी पे हमें 50% सेल देखने को मिलेगा. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, थैंक यू सो मच राइट. 875 क्रिस्टल्स काफी कम हो चुका है, That's insane. फिर यूनिफॉर्म इफेक्ट की बात करें तो पैसिव टियर टू पैसिव चेंज हो जा रहा है एंड एनहांसेस बेसिक स्टैट है, तो बेसिक स्टैट्स और इंप्रूव हो जाएंगे. इंक्रीज डैमेज अगेंस्ट एनिमीज विद 30% एचपी और लोअर बाय 200%, तो यानी कि एनिमीज जिसके एचपी 30% से कम है उसके अगेंस्ट इसका डैमेज डबल से भी ज्यादा हो जाएगा. सो दैट्स इनसेन बफ फ्रॉम यूनिफॉर्म इफेक्ट. पैसिव में अप्लाइज टू सेल्फ, क्रिट रेट इंक्रीज बाय 7%, डॉज रेट 15%, एनर्जी अटैक बाय 15%, काफी जबरदस्त पैसिव है. टियर टू पैसिव में क्रिट डैमेज बाय 50%, गारंटी डॉज रेट बाय 30%, इंक्रीज स्किल डैमेज 42, बोनस डैमेज 30. तो टियर टू पैसिव, पैसिव और यूनिफॉर्म इफेक्ट के लिए यूनिफॉर्म ये मस्ट हैव हो जाता है, तो दैट्स इनसेन इन माय ओपिनियन. फिर हाउस पार्टी प्रोटोकॉल, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे अल्टीमेट स्किल को भी मेंशन किया गया, बट हम यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं. इग्नोर डिफेंस है, पेनिट्रेशन 80% का, इनविंसिबल, एक्यूमुलेशन है, कौन सा है ये, ओके, बेस्ड ऑन द डैमेज डेल्ट है और साथ में एनर्जी डैमेज है. आई थिंक इसके टियर 3 स्किल में एक्यूमुलेशन है, आई डोंट रिमेम्बर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. ओके, सो टियर 3 स्किल का इफेक्ट को भी चेंज कर दिया गया है. वाओ, दैट्स इनसेन, अनदर टियर 3 रिवर्क फॉर आयरन मैन राइट. भाई जबरदस्त अपडेट होने वाला है ये आयरन मैन, तो आई एम गोइंग ऑल आउट ऑन आयरन मैन, डेफिनेटली टेस्टिंग करूंगा आयरन मैन की, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. फिर फर्स्ट स्किल की बात करें तो डील्स ब्लीड डैमेज, एनर्जी डैमेज. सेकंड स्किल में बर्न डैमेज, फ्रैक्चर, एनर्जी डैमेज. थर्ड स्किल में पैरालिसिस, 100% चांस टू इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज, 30% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक बफ, दैट्स ग्रेट, और एनर्जी अटैक. फोर्थ स्किल पे डील शॉक डैमेज, स्टन, 20% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, तो दैट्स ऑलवेज गुड, और एनर्जी डैमेज, ओके. फिफ्थ स्किल पे इंक्रीज डैमेज बाय 50% फॉर वन अटैक एंड एनर्जी डैमेज. वैसे अगर मैं बात करूं तो इसके सारे के सारे पांचों स्किल काफी प्लेन और सिंपल है, बट वहीं अगर हम बफ्स को ऐड करके देखें तो काफी हाई हो जाता है. थर्ड टियर 3 स्किल में एक्यूमुलेशन के चलते काफी इनसेन डैमेज देखने को मिल सकता है. तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा रिवर्क मिला है आयरन मैन को, बट लेट सी कितना अच्छा परफॉर्मेंस है. आई डेफिनेटली टेस्ट इट आउट, इट्स प्लेन एंड सिंपल. वहीं अगर प्रोफेसर एक्स की बात करें तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म 50% ऑफ है,
और यूनिफॉर्म इफेक्ट में इंक्रीज माइंड डैमेज बाय 10%, फर्स्ट स्किल पे डिक्रीजेस माइंड ब्लास्ट एंड माइंड रेजिस्ट बाय 30% अप्लाइज टू एनिमीज, तो दैट्स ग्रेट, यानी कि एक तरीके से माइंड रेजिस्टेंस है ये। सेकंड स्किल की बात करें तो अप्लाइज टू एनिमीज डिक्रीज ऑल स्पीड बाय 10%, डिक्रीज माइंड ब्लास्ट एंड माइंड रेजिस्ट बाय 30%, इग्नोर इम्यूनिटी और माइंड डैमेज है। थर्ड स्किल की बात करें तो इनकैपेसिटेशन डिक्रीज माइंड ब्लास्ट माइंड रेजिस्ट, तो सभी पे माइंड ब्लास्ट माइंड रेजिस्ट है। गार्ड हिट अगेंस्ट 8 हिट, इंक्रीज ऑल अटैक बाय 25%, मतलब फ्रेंजी बफ है 25% के लिए। इंक्रीज ऑल डैमेज, इंक्रीज डैमेज बाय 30% फॉर वन अटैक, और माइंड डैमेज है। फोर्थ स्किल की बात करें तो इनकैपेसिटेशन डिक्रीज माइंड ब्लास्ट एंड माइंड रेजिस्ट, 10% का माइंड रेजिस्टेंस डाउन स्टैकिंग अप टू 40%, एंड डैमेज देर आर नो चेंज इन द इफेक्ट एक्सेप्ट फॉर द कूल डाउन टाइम। ओके, तो फोर्थ स्किल पे सिर्फ कूल डाउन चेंज हुआ है, 16 सेकंड हो गया, तो कूल डाउन 50% रहेगा, तो 8 सेकंड है ये। अब वही फिफ्थ स्किल पे आते हैं तो अप्लाई टू एनिमीज फियर, रिमूव्स बफ फ्रॉम टारगेट, साइलेंस माइंड कंट्रोल, डिक्रीज माइंड ब्लास्ट माइंड रेजिस्ट, ओके, 15% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, इनविंसिबल एक्यूमुलेशन बेस्ड ऑन डैमेज डेल टू द एनिमी, और 1% है, तो दैट्स ग्रेट, और माइंड डैमेज, तो काफी जबरदस्त किट हो चुका है प्रोफेसर एक्स का भी मेरे हिसाब से, सो डेफिनेटली मस्ट बाय यूनिफॉर्म है, बट लेट्स सी कैसा परफॉर्म करेगा। वहीं अब अगर हम आते हैं मिस्टर फैंटास्टिक पे, तो सुपर विलन बन जाता है इस यूनिफॉर्म के साथ, इसका भी यूनिफॉर्म 50% ऑफ पे है। यूनिफॉर्म इफेक्ट में 35% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक और टीयर 2 पैसिव और पैसिव चेंज हुआ है, सो दैट्स ग्रेट। वहीं अगर हम पैसिव को देखते हैं, डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव्ड बाय 30%, दैट्स ह्यूज। टीयर 2 पैसिव इम्यूनिटी टू फ्रैक्चर इफेक्ट, इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 15%, बोनस डैमेज बाय 18%, एक्टिवेशन रेट व्हेन हिट अप्लाइज टू सेल्फ 5% का डिक्रीज ऑफ फिजिकल डैमेज रिसीव्ड कैन स्टैक अप टू 35%, ये नया इफेक्ट है, फिजिकल डैमेज के अगेंस्ट डिक्रीज डैमेज रिसीव्ड और 35% तक स्टैक करता है, तो ये सेल्फ डिफेंस है एक तरीके से, तो ये नया बफ है, देखने को मजा आएगा कैसे काम करता है ये। वही फर्स्ट स्किल की बात करें, स्टन फिजिकल डैमेज, सेकंड स्किल में ब्लीड डैमेज, पैरालिसिस फिजिकल डैमेज, थर्ड स्किल में स्टन फिजिकल डैमेज, फोर्थ स्किल में बर्न डैमेज, बाइंड ऑल डिफेंस डाउन स्टैकिंग अप टू 65%, इंक्रीज ऑल अटैक बाय 25%, मतलब 25% का फ्रेंजी बफ एंड फिजिकल डैमेज। फिफ्थ स्किल में स्टन, बाइंड, इग्नोर टारगेट्स, डॉज रेट बाय 40%, दैट्स गुड, मतलब वर्ल्ड बॉस लेजेंड में काफी काम आता है इग्नोर डॉज। 60% का पेनिट्रेशन है, 100% इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज एंड 25% का ऑल अटैक बफ फिजिकल डैमेज। काफी ज्यादा बफ्स एंड पंचेस है, तो देखने में मजा आएगा कैसे काम करता है प्रोफेसर मिस्टर फैंटास्टिक। वहीं अब चलते हैं हम थोड़े से उतने नहीं खास कैरेक्टर्स पर, तो दिस इज द थिंग, इसका दूसरा यूनिफॉर्म है ये, 50% ऑफ इसके भी यूनिफॉर्म पे है, दैट्स ग्रेट। अब यूनिफॉर्म इफेक्ट की बात करें तो एनहांसेस इफेक्ट ऑफ स्किल फैमिली मैन, अप्लाइज टू ऑल एलाइज, 15% इंक्रीज ऑफ मैक्स एचपी, ओके, सो ये एक तरीके से एक सपोर्ट बफ देता है फैंटास्टिक फॉर एलाइज को, यानी कि ऑल एलाइज को 15% इंक्रीज ऑफ मैक्स एचपी, दैट्स ग्रेट। अप्लाइज टू सेल्फ इंक्रीज ऑल अटैक बाय 30%, ऑल डिफेंस बाय 20% एंड ऑल स्पीड बाय 3%, फ्रेंजी बफ है 30% का खुद के लिए यूनिफॉर्म इफेक्ट में, दैट्स ग्रेट। टीयर 2 पैसिव में अप्लाइज टू फैंटास्टिक फॉर एलाइज, 40% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक, तो ये काफी जबरदस्त हो जाता है। डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव्ड फ्रॉम रिफ्लेक्टेड इफेक्ट बाय 50% एंड इफेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स ऑल अटैक, ओके, तो ये मेफिस्टो वाला इफेक्ट है, ये द थिंग के टीयर 2 पैसिव में आ रहा है। सुपर आर्मर ऑल डिफेंस अप एंड इंक्रीज डैमेज डेल टू बॉस बाय 25%, ये टीयर 2 पैसिव इतना जबरदस्त है दैट ही इज अ मस्ट हैव सपोर्ट फॉर मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन एंड ह्यूमन टॉर्च, अगर आप इन्हें वर्ल्ड बॉस लेजेंड में ले जाते हो तो मैं तो इसे डेफिनेटली अवेकन करने का सोच रहा हूँ। अब वही फर्स्ट स्किल की बात करें तो डिक्रीज ऑल स्पीड, स्टन, फ्रैक्चर, फिजिकल डैमेज, सेकंड स्किल में फ्रैक्चर, फिजिकल डैमेज, थर्ड स्किल में बर्न डैमेज, स्टन, 30% चांस ऑफ मिसिंग अटैक, डॉज रेट इंक्रीज बाय 30%, इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज, 60% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक एंड फिजिकल डैमेज। फोर्थ स्किल में स्टन, बाइंड, ऑल डिफेंस डाउन, 20% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, ग्रैंड 70% इनविंसिबिलिटी, तो अच्छा है, नो टारगेटिंग एक तरीके से एंड फिजिकल डैमेज, तो दैट्स ग्रेट। और फिफ्थ स्किल में बात करें तो डील्स बर्न डैमेज, स्टन, फ्रैक्चर, ऑल डिफेंस डाउन स्टैकिंग अप टू 45%, इग्नोर इम्यूनिटी नहीं है एंड फिजिकल डैमेज। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ रियली गुड यूनिफॉर्म, अगर एक सपोर्ट कैरेक्टर आपको चाहिए तो फैंटास्टिक फोर के लिए, और अगर आप द थिंग के फैन हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। वहीं अब अगर हम आते हैं ह्यूमन टॉर्च के, तो ये वाला यूनिफॉर्म मुझे काफी अच्छा लगा ह्यूमन टॉर्च का, एज अपोज टू द प्रीवियस वन, पुराना वाला मुझे पता नहीं क्यों उतना अच्छा नहीं लगा, बट ये काफी अच्छा है, ब्लू यूनिफॉर्म है विद फायर इफेक्ट, तो गोल्ड कलर का चमकता है, तो काफी अच्छा इफेक्ट्स दिखाया इन्होंने, साथ में सुपर हीरो है, सेल पे 50% ऑफ है। यूनिफॉर्म इफेक्ट में बात करें तो लीडर चेंज हो रहा है और पैसिव चेंज हो रहा है एंड अप्लाइज टू सेल्फ फायर डैमेज बाय 45% है यूनिफॉर्म इफेक्ट में, तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त है, सीटीपी ऑफ जजमेंट में रेकमेंड करता हूँ ह्यूमन टॉर्च के लिए। वही लीडरशिप बात करें तो अप्लाइज टू ऑल एलाइज फायर रेजिस्ट बाय 50%, ये बहुत बेकार है, फायर डैमेज बाय 50% होता तो अच्छा लगता मुझे, बट ठीक है। पैसिव की बात करें तो क्रिट रेट इंक्रीज, डॉज रेट इंक्रीज बाय 50%, दैट्स टू मच, 80% चांस टू बिकम इम्यून टू फायर डैमेज, तो ये भी जबरदस्त है। फर्स्ट स्किल की बात करें तो डील्स बर्न डैमेज, स्टन, पैरालाइज एंड फायर डैमेज, सेकंड स्किल में बर्न डैमेज, स्टन, फायर डैमेज, थर्ड स्किल में डील्स बर्न डैमेज, स्टन, इंक्रीज 100% इंक्रीज ऑफ एनर्जी अटैक, दैट्स इनसेन बफ।
100% चांस फॉर इम्यूनिटी टू ऑल अटैक, ये भी काफी अच्छा है। फायर डैमेज है तो काफी अच्छा है। फोर्थ स्किल में इनकैपेसिटेशन, पैरालिसिस इंक्रीज डैमेज बाय 100% फॉर वन अटैक। तो एक और प्रॉक है यहाँ पे, तो बाप रे इतने सारे प्रॉक्स एंड इफेक्ट्स, वाओ। फिफ्थ स्किल की बात करें तो डील्स बर्न डैमेज, स्टन, साइलेंस, 6% कॉल डिफेंस डाउन, स्टैकिंग अप टू 30%, 30% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, 20% पेनिट्रेशन एंड फायर डैमेज है। डेफिनेटली मैं सीटीपी ऑफ जजमेंट रिकमेंड करूंगा। कुछ लोग रेज के साथ जाएंगे जो कि फैन है ह्यूमन टॉर्च के, बट मैं जजमेंट बेस्ट बोल रहा हूँ इसके लिए, सो यू कैन गो विद दैट। अब आते हैं हम इनविजिबल वुमेन पे। तो इनविजिबल वुमेन मैं होप कर रहा हूँ शी इज अ सपोर्ट कैरेक्टर फॉर फैंटास्टिक फोर, काफी अच्छा रहेगा। तो शी इज ब्लास्ट, ऑब्वियसली सुपर हीरो है, 50% ऑफ यूनिफॉर्म पे इसके भी है। यूनिफॉर्म इफेक्ट की बात करें तो इसके लीडरशिप एंड पैसिव चेंज हुआ है, अलॉन्ग विद दैट यूनिफॉर्म इफेक्ट में 10% इंक्रीज ऑफ एनर्जी अटैक, इंक्रीज गारंटीड डॉज रेट बाई 20%, तो दैट्स ग्रेट। लीडरशिप की बात करें तो अप्लाइज टू ऑल एलाइज, एक्टिवेशन इट व्हेन डीबफ रिमूव्स ऑल डीबफ इम्यूनिटी टू ऑल डीबफ, तो दिस इज ग्रेट। ऑल डीबफ रिमूवल एक और आ चुका है लीडर में। पैसिव की बात करें तो मैं टीयर टू पैसिव की बात करूंगा, टीयर टू होने पे जो पैसिव होगा, एक्टिवेशन इट व्हेन हिट अप्लाइज टू ऑल एलाइज, गार्ड हिट अगेंस्ट वन हिट एंड अप्लाइज टू सेल्फ 75% इनविजिबिलिटी, इग्नोर टारगेटिंग। तो एक गार्ड हिट पता नहीं क्यों काम आएगा, किसे काम आएगा, बट ठीक है चलिए कोई नहीं, 5 सेकंड का कूलडाउन है। तो अगर ये टीम में रहती है तो हर 5 सेकंड में एक गार्ड हिट प्रोवाइड करेगी टीममेट्स को, विच इज ग्रेट 2 सेकंड के लिए, तो काइंड ऑफ सम डिफेंस। टीयर टू पैसिव की बात करें तो अप्लाइज टू सेल्फ है, इंक्रीज गारंटीड क्रिटिकल रेट, ओके, इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 32%, इंक्रीज बोनस डैमेज बाय 15%, एक्टिवेशन इट व्हेन यूजिंग इनविजिबिलिटी बफ अप्लाइज टू सेल्फ, डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव्ड बाय 45%। तो इनविजिबिलिटी होने पर इसका ऑल डैमेज रिसीव्ड 45% से रिड्यूस हो जाएगा, तो काफी ज्यादा डिफेंसिव एंड अटैकिंग है, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे किट इनविजिबल वुमेन का एज अ स्टैंड अलोन कैरेक्टर। फर्स्ट स्किल की बात करें तो बाइंड एनर्जी डैमेज, सेकंड स्किल में रिमूव्स बफ फ्रॉम टारगेट है, चार्म है, एनर्जी डैमेज है, तो दैट्स ग्रेट, चार्म हमेशा अच्छा लगता है मैं देखने को। थर्ड स्किल में 35% ऑल डिफेंस डाउन, स्टैकिंग अप टू 50%, 20% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, 40% का फ्रेंजी बफ है, विच इज ह्यूज। फोर्थ स्किल की बात करें तो बर्न डैमेज है, स्टन, पैरालिसिस, 100% इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज, एनर्जी डैमेज। फिफ्थ स्किल की बात करें तो बाइंड है, 80% का पेनिट्रेशन एंड एनर्जी डैमेज है, तो काफी प्लेन किट है इनविजिबल वुमेन का, बट स्टिल जूसी एनफ टू कीप इट गोइंग। अब 7 न्यू पोटेंशियल रियलाइज हीरोज, यानी कि अब ये लेवल 70 तक जा सकेंगे, मेफिस्टो बीइंग द ऑब्वियस वन, और बाकी 6 भी है यहाँ पे। मेफिस्टो का टीयर 3 स्किल देखते कैसा है, आई होप वाओ, बहुत सारे इफेक्ट्स है, तो लेट्स टेक अ लुक एट सोल फाइनलिटी। तो यहाँ पे इफेक्ट में हम देखेंगे तो अप्लाइज टू एनिमीज, बर्न डैमेज 50%, स्टन, साइलेंस, इनकैपेसिटेशन और 10% कॉल डिफेंस ऑन, स्टैकिंग अप टू 70%, अप्लाइज टू सेल्फ 30% रिकवरी ऑफ मैक्स एचपी, इग्नोर टारगेट्स डॉज रेट बाय 70%, 80% का पेनिट्रेशन, इनविजिबल है, इनविंसिबल है, 20% इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक एंड फायर डैमेज। कंसिडरिंग इज अ नेटिव टीयर 3, बहुत जबरदस्त किट है इसका, टीयर 3 स्किल भी बहुत जबरदस्त है, तो लेट्स टेक अ लुक कैसा है टीयर 3 स्किल दोनों इफेक्ट्स में। हिट सम देख सकते हैं, वाओ, 789 हिट है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में देखते कितना है, ओके, सेकंड वाले में 852, वाओ, बहुत सारे हिट्स है, ओके, नाइस। अब वही हम अवेकनिंग देखते हैं तीनों कैरेक्टर के, तो सबसे पहले ह्यूमन टॉर्च का देखते हैं, तो डील्स बर्न डैमेज, स्टन, ऑल डिफेंस डाउन, स्टैकिंग अप टू 60%, क्रिट रेट इंक्रीज, क्रिट डैमेज, इग्नोर टारगेट्स, डॉज रेट, इनविजिबल, इनविंसिबल, रिमूव्स ऑल डीबफ, एक्यूमुलेशन है, ओके, बेस्ड ऑन डैमेज डेल्ट, इंक्रीज ऑल अटैक है और फायर डैमेज है, तो काफी अच्छा किट है यार, अवेकनिंग स्किल बहुत जबरदस्त है। वही अब अगर हम ह्यूमन टॉर्च का देखते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है, यस, इट्स ऑलमोस्ट सेम, एंड वही हम इनविजिबल वुमेन का देखते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट सेम, कुछ कुछ चीजें चेंजेस रहती है बट मोस्टली इट इज सेम, तो काफी जबरदस्त है तीनों के अवेकनिंग स्किल। यहाँ पे हम इफेक्ट देख सकते हैं, सबसे पहले ह्यूमन टॉर्च का देखते हैं, ओके, गोल घूम के आता है एंड फायर करता है, ओके, इनविजिबल वुमेन एंड द थिंग दिख रहे हैं साइड्स में, ओके, तो दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे द थिंग का देखते हैं, ओके, तो जंप करता है और वाओ, बहुत गोल गोल घुमा दिया, ओके, यू व्हाट, ह्यूमन टॉर्च को पकड़ के गोल गोल घुमा रहा है, लेट्स सी अगेन, ओके, जंप किया इसने एंड फायर गोल गोल घूम के आ रहा है, वाओ, दैट्स इनसेन। भाई अब इनविजिबल वुमेन का देखते हैं, ओके, ओके, काफी स्टाइलिश यार, बहुत जबरदस्त लगा मुझे। सीटीपी ऑफ जजमेंट रीफोर्जिंग, ओके, तो एक और रीफोर्जिंग आ चुका है, आई डोंट थिंक सबको ये देखने में अच्छा लगेगा, बट लेट्स टेक अ लुक क्या है इसमें, बहुत ही छोटा दिख रहा है तो इसे हम जूम कर लेंगे। तो नॉर्मल सीटीपी ऑप्शन, इंक्रीज ऑल अटैक चेन हिट डैमेज और 10%, ओके, दिस इज द नॉर्मल टाइप। अभी अगर हम एम्पलीफाई कर लेते हैं, ओके, नॉर्मल रिफोर्जिंग सक्सेस बोनस स्टैट, ओके, और रिफोर्जिंग सुपर सक्सेस है, ओके,
तो नॉर्मल रिफोर्जिंग में टाइप एम्पलीफिकेशन इंक्रीज एडिशनल टाइप स्किल डैमेज बाय 40%, इंक्रीज एडिशनल टाइप स्किल डैमेज बाय 70% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओके। और में ऑल अटैक और ऑल डिफेंस इंक्रीज है, ऑल राइट। अब वही सुपर सक्सेस होगा तो इंक्रीज ऑल अटैक बाय 36.8%, चेन हिट डैमेज 23%, एक्टिवेशन एट 50% व्हेन अटैकिंग, ऑल रेजिस्टेंस ऑन 50%, इग्नोर इम्यूनिटी, ओके। सुपर सक्सेस होने पे इग्नोर इम्यूनिटी दे देंगे, वाओ दैट्स अ चीप ट्रिक। और इंक्रीज एलिमेंट डैमेज बाय 240% और साथ में टाइप एप्लीफिकेशन में 70% एंड 100%, ओके। तो मैं देख रहा हूं व्हाट दे डिड देयर। सीटीपी ऑफ जजमेंट का जो कमजोरी था कि उसके टाइप रेजिस्टेंस डाउन में इग्नोर इम्यूनिटी नहीं था, वो सुपर सक्सेस में प्रोवाइड कर दिया है। तो दिस इज अ वे टू सेल सीटीपी ऑफ जजमेंट इन माय ओपिनियन, बट ठीक है, इग्नोर इट। वहीं अब हम आते हैं डिस्पैच मिशन में। तो देर आर टोटल ऑफ 10 सेक्टर्स इन द डिस्पैच मिशन एंड ईच सेक्टर कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस। यू कैन रिसीव वेरियस रिवॉर्ड्स सच एज डिस्पैच एक्सपी बाय क्लियरिंग स्टेजेस। व्हेन एंटरिंग द मिशन द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपियर, एक्सक्लूसिव चैलेंजेस। देर आर द डिस्पैच मिशन एक्सक्लूसिव चैलेंजेस, अर्न चैलेंज पॉइंट्स बाय क्लियरिंग द स्टेज व्हेन मीटिंग रिक्वायरमेंट्स। योर सप्लाई टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्टर विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द एक्वायर्ड पॉइंट। यूज एनर्जी, डिसाइड वेदर और नॉट टू यूज एनर्जी बिफोर द बैटल। Please note that you can only receive shield, alliance, character, uniform and dispatch EXP without using energy. Okay, I don't understand what they are mentioning here. Ye energy, kaun sa energy hai? Okay, I'm not so sure about it. But theek hai, we can see yahan pe requirements hai. Clear with 90% HP or higher. Clear with 3 speed types. Clear with victorious. Okay. And yahan pe hum dekh sakte hai, hume premium card and CTP dikhai de rahe rewards mein. Why is that? क्या हमें ये मिलेंगे? That is my question. इनके drop rates क्या होंगे? The dispatch mission supports the auto progress function. You can choose from auto progress when you move on to the next stage to battle and repeat when you can battle one stage for the designated number of times. You can freely use the auto progress function even if you have never cleared a stage in the dispatch mission. Okay. The autoplay plus function will be available during battles. And three heroes will join and fight the battle all at once. Agents can control one hero at a time and can freely change to control any hero. However, the skill cooldown times applied before changing the hero will be maintained after switching hero. Okay. So, मेरे हिसाब से तीनों हीरो एक साथ बैटल में जाएंगे एंड हम एक कैरेक्टर को एट अ टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी दो ऑटो प्ले में रहेंगे एंड हम स्विच करके दूसरे कैरेक्टर को भी यूज कर सकते। दिस इज ग्रेट। Your dispatch level will increase as you acquire dispatch EXP by clearing each stage. You can acquire more supplies as you reach a higher dispatch level. Okay, dispatch level जैसे से बढ़ते जाएंगे हमारे supplies बढ़ते जाएंगे तो ज्यादा rewards मिलेंगे, तो जितना high level होगा उतने ज्यादा rewards. You can acquire more dispatch EXP as you go to a stage of a higher sector. There is a low chance to acquire CTP Odin Blessings premium card 6 star awakened asset when clearing a stage from sector 7 to sector 10. Okay. मतलब low chance है बट ठीक है। डिस्पैच लेवल रिवॉर्ड्स, डिस्पैच लेवल चेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी टाइम यू रीच अ हायर डिस्पैच लेवल। वन आइटम फ्रॉम बिलो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ओपनिंग अ चेस्ट। डिस्पैच लेवल चेस जब हम ओपन करेंगे तो इन रिवॉर्ड्स में से हमें कोई एक मिलेगा। तो सीटीपी चेस्ट मिल सकता है हमें, ओडिन ब्लेसिंग मिल सकता है, 14 टाइप ऑफ प्रीमियम कॉमिक कार्ड मिल सकता है, 6 स्टार अवेकेंड आयसोइट, अल्टीमेट सुपीरियर एक्सट्रीम ऑब्लिस्क, अल्टीमेट सुपीरियर एक्सट्रीम आयसोइट, 4 से 6 स्टार आयसोइट, हीरोइक से मिथिक कॉमिक कार्ड, हीरोइक से मिथिक उरू। Rewards are not that great. ये ultimate superior extreme boost ISOIT हटा देना चाहिए, 4 to 6 star ISOIT हटा देना चाहिए in my opinion, और enchanted Uru हटा देना चाहिए। उसके अलावा सब rewards ठीक है, but ठीक है, they will put some these types of reward. Okay. A hero dispatch slot will be activated when clearing a stage of for each sector. If you dispatch a hero that meets the designated required for each slot, the rewards will accumulate for every certain amount of time. Okay, तो gold एक्वायर जैसा हमें लाइव स्ट्रीम में बताया गया था, तो हम यहां से एक्वायर कर सकते हैं। क्लिक ऑन द एक्वायर बटन टू क्लेम द एक्युमुलेटेड रिवॉर्ड्स वंस द डिस्पैच हैज प्रोग्रेस्ड एंड द एक्वायर्ड रिवॉर्ड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंटरी। ओके, इन्वेंटरी फुल होने पे हम ऑब्वियसली नहीं ले सकते, तो काफी अच्छा है यार। मेरे हिसाब से गोल्ड फार्म करने के लिए काफी जबरदस्त है ये। सेक्टर 1 से 10 तक के रिवॉर्ड्स हम देख सकते हैं, कॉमन रिवॉर्ड तो गोल्ड एनर्जी क्लियर टिकट्स है। सेक्टर 1 मिड टाउन का हम देख सकते हैं, देन हार्लेम का है, टाइम स्क्वायर का है, ओरोलेन का है, पेरिस का है, लेवेरिया का है, वकांडा का है, कमार्टा मॉनेस्ट्री का है, कमरताज, ओके, शंघाई का है, देन अलास्का का है। तो दीज आर द रिवॉर्ड्स जो कि एक्यूमुलेशन रिवॉर्ड है, ओके, डिस्पैच मिशन रिवॉर्ड जो कि यहाँ पे हम डिस्पैच कर सकते हैं। तो दैट इज ग्रेट यार, आई वुड लव टू सी कैसे काम करता है ये, बट दिस इज ग्रेट यार, फ्री रिवॉर्ड्स है, देर इज नथिंग टू गेट एंग्री अबाउट अगर इस पे भी लोग
टॉपिक्स पे अगर लोग गुस्सा करें तो आई डोंट नो व्हाट टू से, 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज गाइस, बट आई रियली लव दिस गेम मोड, इट हैज एक्सट्रीम पोटेंशियल, बट गेम आने के बाद देखते यार कैसा है ये, बट पढ़ के मुझे काफी अच्छा लगा ये सच बताऊं तो। स्टोरी मोड रिफॉर्म हुआ है तो द स्टोरी कैंपेन मोड हैज बीन रिवैम्प्ड, तो यहां पर मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है, स्टोरी मोड को पूरी तरीके से रीसेट कर दिया गया एंड इवन द फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड जो हमें मिला था वो भी हमें फिर से मिलेगा, और अगर आपने अनलॉक किया था यूजिंग क्रिस्टल्स आपके क्रिस्टल्स रिफंड हो जाएंगे एंड अनलॉक रिक्वायरमेंट आर स्टिल द सेम, तो अगर आपने अनलॉक रिक्वायरमेंट मीट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपके वो मिशंस अनलॉक हो जाएंगे, सो इट इज बेसिकली रीसेट कर दिया गया एंड यू विल गेट ऑल द रिवॉर्ड, सो दिस इज ग्रेट इन माई ओपिनियन, एंड फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड हमें फ्री में मिल रहा है तो दैट इज इनसेन। अलॉन्ग विद दैट नॉर्मल मोड और अल्टीमेट मोड ही अब बचेंगे गेम में, मतलब बाकी जो मोड्स थे स्टोरी मिशन में वो हटा दिए जाएंगे, तो दिस इज ग्रेट यार, मेरे हिसाब से यार काफी अच्छा है। और यहाँ पे हम रिवॉर्ड्स देख सकते हैं, स्टोरी रिवॉर्ड ओके, तो डायमेंशनल क्लैश गोल्ड अल्टीमेट ऑब्लिक सुपीरियर एक्सट्रीम गियर अप किट डायमेंशन डिब्री रैंक 1 ब्लैक एंटीमैटर नॉनस्टोन ऑफ क्योस ओके ओके। तो अल्टीमेट मोड में देर इज अ सीटीपी ऑफ ट्रांसेंडेंस अथॉरिटी एनर्जी डिस्ट्रक्शन पेशेंस रिफायरमेंट रीजनरेशन रेज जजमेंट ग्रीड इनसाइट और टाइप एनहांसमेंट टिकट एसेंस ऑफ डायमेंशन टीसीपी ओके। वही हम ट्रू शील्ड में देखेंगे तो यहाँ पे आइसोइट अवेकेंड आइसोइट ओके, तो दिस इज द सेम रिवॉर्ड राइट ओके। मैं फिर से सेम चीज पढ़ रहा हूँ जो पहले ओके, डायमेंशन डिब्री आ गया नॉर्मल मोड ओके, ओडिन ब्लेसिंग बैलेंस टफनेस ओके द फ्यूचर एंड्स हियर में पहले प्रीमियम कॉमिक कार्ड थे क्या, आई डोंट थिंक देर वॉज अ प्रीमियम कॉमिक कार्ड चांस राइट। फ्यूचर एंड्स हियर अल्टीमेट मोड में प्रीमियम कॉमिक कार्ड के चांस अब थे कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट प्रीमियम कॉमिक कार्ड यहाँ पे एड हो चुके हैं तो दैट इज ग्रेट इन माई ओपिनियन, तो बहुत ही जबरदस्त है यार ये, आई थिंक स्टोरी मोड रिवर्क इज ग्रेट। साथ में द सिनर्जी कैरेक्टर सिस्टम हैज बीन एडेड इन स्टोरी मोड, तो अब पहले जैसे कि क्या था, यू नीड टू हैव ट्रांसेंड पोटेंशियल कैरेक्टर इन ऑर्डर टू गेट चांस अप टू गेट द फ्रेगमेंट, बट अब अगर आपके पास ये सिनर्जी कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये पांचों कैरेक्टर टीयर 2 पे है तो देर इज अ 50% चांस अब कि आपको 2x रिवॉर्ड मिलेंगे, सो इन माई ओपिनियन दिस इज अ ग्रेट थिंग, ये काफी अच्छा किया इन्होंने, दिस इज अ ग्रेट चेंज इन माई ओपिनियन राइट ओके। द शील्ड अकेडमी मिशन ट्यूटोरियल एंड गेम गाइड हैव बीन चेंज्ड ओके एज द स्टोरी कैंपेन मोड हैज बीन रिवैम्प्ड ओके। द ओवरऑल डिफिकल्टी ऑफ स्टोरी डायमेंशनल क्लैश नॉर्मल मोड हैज बीन डिक्रीज्ड ओके, तो नॉर्मल मोड को इजियर कर दिया गया। हीरो ग्रोथ डिफिकल्टी इंप्रूवमेंट द सेल्स मेथड हैव बीन चेंज्ड फॉर सम यूनिफॉर्म, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 49, 50, 51, 52 यूनिफॉर्म्स गोल्ड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, देवर 750 क्रिस्टल्स ईच ऑन सेल, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, मेरे कितने सारे यूनिफॉर्म ऑप्शंस अनलॉक हो जाएंगे, 52 फ्रिकिंग यूनिफॉर्म्स गोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है, आई एम सो हैप्पी, आई कैनॉट बी मोर हैप्पियर अबाउट दिस चेंज, ये काफी अच्छा किया यार, लव यू गाइज, थैंक यू सो मच डेव्स फॉर डूइंग दिस चेंज इज एवरीथिंग, चेंजेस एवरीथिंग। More biometrics has been added in Dimension Mission Support Shop. ये सब जो हीरो मतलब बायो सिलेक्टर कैरेक्टर्स थे इनके बायोस भी एड कर दिए गए सपोर्ट शॉप में, दैट्स इनसेन। अब आप शेरन रॉजर्स के यूनिफॉर्म को मिथिक कर सकते हो, मून नाइट के यूनिफॉर्म को मिथिक कर सकते हो, जेसिका जोन्स के यूनिफॉर्म को मिथिक कर सकते हो, रॉकेट रकून हल्क डिस्ट्रॉयर कितने जबरदस्त कैरेक्टर्स है, शैंगची उसका नया मूवी आने वाला है, सो दैट्स इनसेन यार। द रिक्वायर्ड रैंक अप मास्टरी अपग्रेड गियर टीयर 2 एडवांसमेंट मटेरियल हैज बीन डिक्रीज फॉर टीयर 1 हीरोज, हीरोज दैट हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ डिक्रीज इन ग्रोथ मटेरियल्स आर एक्सक्लूडेड, द एक्वायरेबल पॉइंट फॉर रियलाइजिंग पोटेंशियल इन वर्ल्ड बॉस हैज इंक्रीज्ड ओके, पोटेंशियल ज्यादा रियलाइज हो गया इन माय ओपिनियन अब ये, एंड साथ ही साथ यार सभी टीयर 2 कैरेक्टर टीयर 1 कैरेक्टर्स के रिक्वायरमेंट कम कर दिए गए, सो आई एम हैप्पी विद दिस एज वेल। 6 ईयर एनिवर्सरी कॉमिक कार्ड है यहां पे, तो यू कैन सी कलेक्शन बोनस क्या, आई वांट टू सी दैट ओके। कलेक्शन बोनस में ऑल डिफेंस 1% अप है एंड यहाँ पे आप 6 ऑप्शन देख सकते हो, सो यहाँ पे सभी रैंडम ऑप्शन है यार, जो बोल रहे थे कि रैंडम ऑप्शन नहीं है, देर इज अ रैंडम ऑप्शन, 5 स्टार फिक्स नहीं है यहाँ पे। नया फ्यूचर पास है यहाँ पे, हम 2 पास आइकन देख सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 5 आइकन है यार, आई डोंट नो वाई यहाँ पे 5 है जबकि यहाँ पे 2 है, एंड आई बिलीव एक तो हमें टोकन इवेंट से मिलेगा, बट हियर आर 5, आई डोंट नो इन्हें हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, दैट इज इनसेन। यूनिफॉर्म
कलेक्शन है, तो यूनिफॉर्म कलेक्शन में सभी यूनिफॉर्म्स है जो कि सब डेट में आ रहे हैं। मेफिस्टो को भी ऐड किया गया, आई डोंट नो व्हाई बट इट्स ओके। पॉपअप स्क्रीन ऐड कर दिया गया, एसोइट सेट चेंजिंग बोनस को चेंज कर दिया गया, इनबॉक्स को बेटर कर दिया गया, गियर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं कितना से कितना हमें अपग्रेड करना है, फिल्टर मेन्यू ऐड कर दिया गया हीरोज के एबिलिटीज के बेसिस पे। ओके, द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ फोर्सर हीरो व्हेन फेलिंग द फर्स्ट बैटल आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट हैज बीन रिमूव्ड। ओके, दैट्स ओके। द यूआई ऑफ स्पेशल डेली ग्रोथ सपोर्ट हैज बीन इंप्रूव्ड, सो ओके आईड लव टू सी दैट। बायोमेट्रिक लोकेशन रिलेटेड टू कैप्टन मार्वल, गमोरा, वॉरवुल्फ एंड शीहल्क हैज अवेलेबल इन द ग्लोरी टोकन शॉप हैज बीन चेंज्ड। द स्किल डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट ऑफ डार्क हॉक्स एक्टिव स्किल, ओके, तो ये सब चेंज किया गया है, ये सब सिर्फ डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट चेंजेस है, यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, दीज आर सम चेंजेस, इट्स ओके, कुछ खास चेंजेस नहीं है यहाँ पे, विल सी व्हाट हैपेंस विद दीज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफी जबरदस्त अपडेट है यार। एवरीवन इज सेइंग यू एक्सीडेड आवर एक्सपेक्टेशन विद दिस, सो एवरीवन इज हैप्पी विद दिस, आई बिलीव सब खुश है इस अपडेट के साथ। एंड वॉट आर योर थॉट्स एंड ओपिनियन ऑन दिस पैच डिटेल्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई एम सुपर हाइप्ड, कल अपडेट ड्रॉप होती है, स्टार्ट अ लाइव स्ट्रीम, 2-3 घंटे हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, चिल करेंगे विद द अपडेट, विल अपग्रेड सम कैरेक्टर्स, विल टेस्ट सम कैरेक्टर्स, सो मेक श्योर यू ज्वाइन अस देयर। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए यार चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, शाओ वोइला, बाय बाय, एडियोस। आई एम सो हाइप्ड फॉर वर्जन 700 एनिवर्सरी अपडेट, अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू मार्वल फ्यूचर फाइट वंस अगेन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय। Goku! Son Goku!